अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी जुम्मा स्पेशल हैदराबादी फेमस खट्टी दाल की रेसिपी। इसको आप लोग अंडे से चाहे पापड़ से तले हुए गोश्त से भी सर्व कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करेंगे। पहले तो कुकर ले लेना है। इसमें देखिए 1.5 कप जितनी मसूर की दाल भिगा कर रख लेंगे। अच्छे से वॉश कर लीजिए, करके अच्छे से भिगा लेंगे 10 मिनट के लिए। भिगाने से क्या है, दाल अच्छे से गल जाती। अब इसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब इन सबको मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये 3 मीडियम साइज के टमाटर है, रफली चॉप कर ली मैं। अब ये 10 से 12 हरी मिर्च है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा 1 मुट्ठी जितना हरा धनिया ऐड करेंगे, यानी कोथमीर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, 1/2 गिलास जितना। अब इसको 1/2 गिलास पानी ऐड कर देंगे, इसको लीड लगा देंगे। अब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब लीड लगा देंगे। लीड लगा कर देख सकते हैं आप लोग, मीडियम फ्लेम पर ही 3 या 4 सीटी दे देंगे। उसके बाद देखिए, देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से दाल और टमाटर सब गल गए। अब इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसको क्या करना है, दाल घोटने की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे, देखिए इस तरह से, ताकि जो ये टमाटर हरी मिर्च जो भी है वो अच्छे से मैश हो जाना है। इस तरीके से दाल घोटने की मदद से मैश कर ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मैश हो चुकी है, अब एक साइड रखेंगे। अब इसको मैं 1-2 मुट्ठी जितनी इमली को भिगा ली थी मैं, खट्टा निकाल लेंगे। अब ये गल गई सो दाल में ऐड कर देंगे, ये दाल जो है इसमें खट्टा ऐड कर देंगे। 2 मुट्ठी जितनी इमली को भिगा ली थी मैं। अब देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी, देख सकते हैं आप लोग, देखिए कितना होना है, और थोड़ा सी गाढ़ी है और थोड़ा सा खट्टा ऐड करूंगी मैं। कंसिस्टेंसी इस तरीके से रखेंगे। गाढ़ी और पतली देखकर आप लोग खट्टा इस्तेमाल कीजिए, और 1 मुट्ठी जितना करियापाक ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से उबाल आना है इसमें, देखिए इस तरह से। टोटल 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। ये जो ऊपर का है इमली का जो खट्टापन रहता वो उसको निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से पूरा निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको एक साइड रख लेंगे। 10 मिनट तक उबल गई, देखिए अच्छे से खट्टी दाल बॉईल हो चुकी है। अब इसको बघार लेंगे। 2 टीस्पून तेल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे, 1 to 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता खट्टी दाल का। अब देखिए इसमें लहसुन ऐड कर देंगे, लहसुन का कलर हल्का सा चेंज होने लगा हुए तक इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाना है। देखिए इस तरीके से कलर चेंज होने के बाद इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, यानी 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे का भी कलर चेंज होने के बाद 1 मुट्ठी करियापाक ऐड कर देंगे। अब इसमें देखिए ये दही की मिर्ची है जो रहती फ्राई करके खाने की, ये भी ऐड कर सकते, सूखी बघार की मिर्च भी ऐड कर सकते। ये दही की मिर्ची ऐड कर दी मैं इसमें बघार में। एक बार इस तरीके से आप लोग के पास है तो इस तरीके से बघार लीजिए, देखिए इसका भी कलर अच्छे से चेंज हो गया, फ्राई हो चुकी है मिर्ची। अब इसमें जो दाल बॉईल की हुई थी ये इसमें ऐड कर देंगे, देखिए इस तरह से दाल को बघार में ऐड कर देंगे। मेरी बताई हुई मेथड से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी खट्टी दाल बनकर रेडी होती है। जुम्मा स्पेशल है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ी देर के लिए कवर करके लो फ्लेम पे रख दूंगी मैं। चलिए अब फ्लेम ऑफ कर देंगे, अब इसको सर्व कर लेंगे, यानी डिश आउट कर लेंगे। देखिए इस तरह से एकदम टेस्टी और ज़बरदस्त हैदराबादी फेमस खट्टी दाल बनकर रेडी है। इसको प्लेन राइस से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इसके साथ तला हुआ गोश्त भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इस तरह से ही न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।